Please subscribe our YouTube channel, Study Corner. Press the bell icon and never miss any update. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। मैं चंदन आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए, और इसलिए मैंने इसका नाम रखा है कोरोना स्पेशल जीके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है, और इसके लिए तरह तरह की ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं, योजनाएँ लागू की जा रही है और अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि इसे सतर्कता बनी रहे और लोगों का असुविधा ना हो। तो बने रहिए वीडियो के एंड में और देखते जाएंगे कि कौन कौन सा क्या है एमसीक्यू फॉर्मेट में। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। कोरोना से निपटने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज ड्रोन्स टू डील विथ कोरोना। एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर। तो इंदौर हमारे देश का पहला शहर है जहां पे फर्स्ट टाइम कोरोना से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न हमारा, कोरोना से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया? हु रैन ऑपरेशन शील्ड टू डील विथ कोरोना। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने शील्ड ऑपरेशन चलाया है कोरोना से निपटने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी आवश्यक सूचना यह है कि हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर का अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है। मैंने खुद बनाया है इसे, और इस एप्लीकेशन का नाम है क्विज कॉर्नर। इसे सर्च करने के लिए प्ले स्टोर पे क्विज कॉर्नर लिखिएगा, बिना स्पेस के आपको मिल जाएगा, और इसे इंस्टॉल कीजिए। और मैं बता दूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसका एमसीक्यू टेस्ट रिविजन के लिए इस एप्लीकेशन में डाल दिया करूँगा। जैसे कि इस वीडियो के लिए जो भी आपको मिलेगा वो स्टडी कॉर्नर कैटेगरी के अंदर मिलेगा। हालांकि ये पहला वीडियो है एप्लीकेशन के बाद का, इसलिए सेट वन होगा, उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो में जितना बताऊंगा उससे ज़्यादा आपको इस एप्लीकेशन में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 20 बताऊंगा तो 25 आपको पॉइंट मिलेंगे इसमें। तो ज़रूर इंस्टॉल कीजिए यदि आपने नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा, कोरोना से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? Which state government formed Team 11 to deal with Corona? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 सदस्यों का एक विशेष टीम गठन किया है। इस टीम का नाम रखा गया है टीम 11। ये सभी सदस्य सरकार को यानी उत्तर प्रदेश सरकार को कोरोना से संबंधित जो भी तथ्य होंगे उसे रिपोर्ट के रूप में सौंपेंगे। अगला प्रश्न है, कोरोना से निपटने के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? Which state government started the food bank initiative to deal with corona? सही आंसर ऑप्शन सी, मणिपुर सरकार। फूड बैंक, और इसमें बैंक लगा हुआ, मणिपुर में मनी है, पैसा है, तो बैंक में तो पैसा ही रहता है, तो इसे कोरिलेट करके मन में तो बैठा सकते हैं। बहुत दीजिए, और समझने के लिए आप समझिए कि फूड बैंक पैसे के लिए नहीं है। कोरोना के समय में कोई गरीब व्यक्ति भूखा ना रह जाए, इसके लिए मणिपुर सरकार ने यह पहल शुरू किया है। फूड बैंक नाम से ही लग रहा है, तो बिल्कुल याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कोरोना से निपटने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द ब्रेक द चेन कैंपेन टू डील विद कोरोना। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल सरकार। ब्रेक द चेन नाम से ही लग रहा है, ये जरूर सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात है। अगर हम भीड़ नहीं रहेंगे तो बिल्कुल जहाँ पे चेन चल रहा था कोरोना के फैलने का, वो रुक जाएगा, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे महामारी जो है थम जाएगी। इसलिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया गया केरल सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, कोरोना से निपटने के लिए कोविड केयर ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द कोविड केयर ऐप टू डील विद कोरोना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, जितने भी ऐप हैं, चाहे वो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है या फिर राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, सभी के सभी तो कोरोना से संबंधित है, और सबका अपना अपना एक उद्देश्य है। तो हमें तो याद रखना है कि कौन सा ऐप किस राज्य सरकार का है। तो आप मन में कुछ रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। जैसे कि यहीं पर देख लीजिए, अरुण चल रहा है, अरुणाचल, और कोविड में केयर यानी कि कोविड को कार कर लीजिए, कोविड कार, तो अरुण चल रहा है तो कार से चल रहा है, मन में बैठा रहे बिल्कुल याद रहेगा। और रिविजन के लिए ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, उसमें एक एक करके सब कुछ चेक कीजिए कि आपको याद आ रहा है या नहीं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? विच इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू एस्टेब्लिश ए सैनिटाइजर टनल। एक एक प्रश्न आप फील कर रहे होंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में आएगा इससे। सही आंसर ऑप्शन ए, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन किस लिए खास है? तो यहाँ पे सबसे पहला, देश का सबसे पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जो सैनिटाइजर टनल स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा COVID-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रैक COVID-19। ये जो ऐप है COVID-19 को ट्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबके मोबाइल में होगा मुझे विश्वास है, नहीं होगा तो जरूर रखिएगा। तो ये ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। इसके जरिए अगर आसपास कोई भी ऐसा केस अगर आता है तो आपको तुरंत अलर्ट मिल जाएगा और इस तरह से आप अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और आप अधिक अलर्ट हो जाएंगे, घर से निकलने से पहले सोचेंगे। तो ये COVID-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन टू डिटेक्ट कोरोना इन्फेक्टेड पीपल। तो जो आरोग्य सेतु ऐप है वो देश भर में ऐप है वो, और ये कैंपेन है किसी राज्य सरकार ने चालू किया है पता लगाने के लिए कहाँ कहाँ पर ये केस एक्टिव है। सही आंसर हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया गया। नेक्स्ट, कोरोना से निपटने के लिए मोदी किचन पहल की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? मोदी किचन, विच स्टेट टू लॉन्च मोदी किचन इनिशिएटिव टू डील विथ कोरोना। तो किचन है तो खाने से संबंधित होगा, जिस तरह से फूड बैंक मणिपुर का था, तो मोदी किचन कौन सा राज्य सरकार ने पहल शुरू किया है देखा जाए। सही आंसर होगा तमिलनाडु सरकार, ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार का मोदी किचन है, कोई भूखा ना रहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस IIT संस्थान ने क्वारंटीन नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग IIT इंस्टीट्यूट्स हैज डेवलप्ड एन ऐप नेम्ड क्वारंटीन। क्वारंटाइन का स्पेलिंग अलग होता है लेकिन कोरोना का कोरोन लेकर के क्वारंटीन बनाया गया है एप्लीकेशन का नाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने क्वारंटीन नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रज्ञाम नामक ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऐप नेम्ड प्रज्ञाम टू डील विथ कोरोना। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड सरकार। तो झारखंड गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का खासियत है कि ये ई पास जैसा है, यानी कि जब किसी को घर से निकलना होगा तो उससे मंजूरी लेनी होगी, मंजूरी मतलब कि अनुमति लेना होगा तभी वो घर से निकल सकते हैं। तो ये ई पास के लिए बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, झारखंड सरकार ने दुकानदारों और ग्राहकों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके होम डिलीवरी हेतु कौन सी ऐप लॉन्च की है? विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड फॉर होम डिलीवरी बाय डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन शॉपकीपर्स एंड कस्टमर्स। बहुत अच्छा पहल है, ये एप्लीकेशन का खासियत बहुत अच्छा है और इसमें बताया है, ये तो झारखंड बाजार नाम है एप्लीकेशन का, बता दें। इस ऐप में जो दुकानदार है यानी कि मर्चेंट है और जो ग्राहक है, दोनों को रजिस्टर करना होता है और ग्राहक को यदि कुछ चाहिए होगा तो वो उसमें दुकानदार से मांग करेगा, दुकानदार होम डिलीवरी करेगा, तो अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए राजकोप सिटीजन नामक ऐप लॉन्च की है? विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड राजकोप सिटीजन टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग लॉकडाउन। यानी कि यहाँ पे पुलिस मदद कर रही है, पुलिस किस तरह की मदद कर रही होंगी, सामान पहुँचाने हैं, किसी का कोई जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी। सही आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान पुलिस। राजकोप राजस्थान, बहुत सिंपल है, राज का राजस्थान, राज का राजकोप सिटीजन, याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना से निपटने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन नामक ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? यहाँ पे आप सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड सेल्फ डिक्लेरेशन टू डील विद कोरोना। सही आंसर ऑप्शन डी, नागालैंड सरकार। सेल्फ डिक्लेरेशन नागालैंड सरकार,
ठीक है। तो इसे याद रखने के लिए आप कुछ फनी सोच लीजिए, जैसे नाक के साथ में सेल्फी लेना इस टाइप का। सपेरा सांप लाता है तो अधिकांश तो लोग उस सांप को गले में लगा डाल करके सेल्फी लेते हैं, दिखाने के लिए हम कितना बहादुर हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट, कोरोना के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इम्पोज कर्फ्यू ड्यू टू कोरोना। सही आंसर ऑप्शन सी, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार सबसे पहला राज्य है जिसने कर्फ्यू लगाया था कोरोना के चलते। अगला प्रश्न है, कोरोना के चलते महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिक्लेयर एन एपिडेमिक ड्यू टू कोरोना। कर्फ्यू का तो जान गए, पंजाब है। महामारी पहले कौन घोषित किया था? सही आंसर इसका हरियाणा है। हरियाणा सरकार ने सबसे पहले महामारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के चलते आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिक्लेयर डिजास्टर ड्यू टू कोरोना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। तो यहाँ पे तीन चीज पता चला, एक कर्फ्यू पंजाब हो जाएगा, महामारी हरियाणा हो जाएगा, और यहाँ पे आपदा घोषित करने के लिए सबसे पहला राज्य हो जाएगा केरल। तो ये 18 हो गए प्रश्न, और दो प्रश्न हमारे सामने ये रहे। कोरोना के चलते इमरजेंसी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना। हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पुट इमरजेंसी ड्यू टू कोरोना। सही आंसर जापान है। जापान में सबसे पहले इमरजेंसी लगा था कोरोना के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जो कोरोना मुक्त घोषित हुआ। देखिए ये अच्छी खबर आई है एक हमारे देश से, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच वॉज डिक्लेयर्ड कोरोना फ्री। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। तो फ्रेंड ये थे कुल 20 प्रश्न जिसे मैंने अभी आपके सामने रखा है। उम्मीद है आप सबको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैंने जैसा कि बताया ये एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कैटेगरी दिए गए हैं, और ख़ास करके मैंने अपने चैनल के लिए एक कैटेगरी डाला है स्टडी कॉर्नर, तो इसमें आपको ये सभी प्रश्न इससे ज़्यादा यानी कि 25 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे सेट वन में। तो ज़रूर क्लिक करके अपने आप को जानिए। सर्च करने के लिए क्विज कॉर्नर टाइप कीजिएगा बिना स्पेस के, या फिर लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दिया है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बताइएगा कैसा है, रेटिंग कमेंट भी जरूर दीजिएगा ऐप के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत अच्छे जाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे और आप सब बहुत ही सुरक्षित रहें।